राजस्थान के डीडवाना जिले के लाडनू आरओबी की सड़क पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसके चलते जिले के वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि क्षतिग्रस्त आरओबी को लेकर बार बार शिकायतें मिलने के बाद भी संबंधित विभाग के द्वारा कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया है। सिर्फ खानापूर्ति के तौर पर आरओबी की रिपेयरिंग की जाती है। इसी क्रम में आरओबी की इस समस्या को लेकर सार्वजनिक निर्माण विभाग के जितेंद्र जांगिड़ का भी एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि वर्तमान में ये आरओबी मेगा हाईवे का एक पार्ट है, जिसको लेकर बार बार मेगा हाईवे के अधिकारियों से वार्ता चल रही है और अभी हाल ही में 20 करोड़ रुपए के रिन्यूअल के रिपेयरिंग के हाल ही में टेंडर हुए हैं, जिसमें इस आरओबी को भी रिपेयरिंग के लिए सम्मिलित किया गया है। जल्दी इस आरओबी की चल रही क्षतिग्रस्त की समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा। डीडवाना से संवाददाता मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। आरओबी इस विभाग के द्वारा पहले निर्मित किया गया था, जिसमें कार्यकारी एजेंसी सड़क निर्माण विभाग डीडवाना था, जिसको डीएल की अवधि इसका पूर्ण हो चुका है, इसको बने हुए लगभग 5 साल हो चुके हैं। वर्तमान में ये मेगा हाईवे का पार्ट है, जिसपे मेगा हाईवे के जो पीटीए एक्शन है पवन जी सैनी, उनसे भी वार्तालाप लंबे समय से चल रही है। अभी उन्होंने इस पूरी रीच के लिए लगभग 20 करोड़ के रिन्यूअल के और रिपेयरिंग के टेंडर हुए हैं पूरी रीच के, जिसके अंदर कंप्लीट ये सड़क है, जिसके अंदर उनसे वार्ता हुई, उन्होंने इसी आरओबी ब्रिज के निर्माण को भी सम्मिलित किया है, जो अब ईडीओ ने अपनी कार्यशैली में ले लिया है, इसको जल्दी निर्माण उनके द्वारा करा दिया जाएगा। एक तरह से उनको ही डेड और मान सकते हैं अपना।